नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। पटना के जामुन गली सब्जी बाग में इस्तिखार अहमद खान को कुछ भू माफियाओं द्वारा लगातार डराया धमकाया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार मीडिया बंधुओं से मदद की गुहार लगाई। इस्तिखार अहमद ने बताया कि कुछ भू माफियाओं द्वारा 19/12/2022 को दोपहर के करीब 3 से 4 के बीच भू माफिया और आपराधिक तत्व के करीब 50 लोग, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, मेरे घर में घुस गए और घर पर कब्जा करने लगे। साथ ही डराने धमकाने और मेरी माँ को बंधक बनाने की कोशिश करने लगे और मेरे घर के सभी तालों को तोड़कर पूरे घर को भी खंगालने लगे, जिसमें 1,25,000 के करीब कैश, लैपटॉप, जेवरात, घर के जरूरी कागजात, सिग्नेचर किया हुआ ब्लैंक स्टैम्प पेपर और अन्य जरूरी सामान मेरे आंखों के सामने ही मुझे धमकी देते हुए ले गए। इस बात की सूचना जब हम पीरभोरा थाना में देने गए तो थाना के लोग अनदेखा करते हुए जरूरी काम निपटाने की बात करने लगे और थाना में लगभग 3 से 4 घंटा बिठाए रखा गया। तब तक घर में घुसे असामाजिक तत्वों के लोग पूरे घर को खंगालते रहे और सारा सामान लेकर चले गए। 4 घंटे के बाद जब पुलिस आई तो ये लोग आसानी से दीवार तड़प कर भाग गए और कुछ महिलाओं को पकड़ा गया, जिनको थाना ले जाने के क्रम में रास्ते में ही छोड़ दिया गया। मैंने जब थाना में लिखित ज्ञापन दिया तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद दूसरे दिन SSP सर के यहाँ भी लिखित ज्ञापन दिया तो आश्वासन मिला था कि कार्रवाई होगी, पर वहाँ से भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और घर आने जाने के क्रम में लगातार डर बना रहता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। आज इस घटना को 16 दिन बीत गए पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ बड़ा घटना घटने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। जिसके बाद इफ्तार अहमद खान ने कहा कि आखिर में थक हार कर मुझे न्याय के लिए मीडिया बंधुओं से अपील करनी पड़ी, जिससे ये भू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिल सके। मेरे घर में 19 तारीख को करीब 4:15 कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर टाइटल एविक्शन सूट किए हुए, जो व्यवहार न्यायालय में लंबित है और उसका 4 तारीख को आज की डेट में डेट भी था, जिसे मैं अभी फेस करके आ रहा हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपना कब्जा जमाने के लिए घर में ताला तोड़ करके घुसे और घुस करके सारा हमारा सामान लेकर चले गए। क्या थाना वाले को सूचित किया था? ये थाना 112 पे सबसे पहले मैंने सूचित किया, उसके बाद थाने वाले को फ़ोन किया, थाना प्रभारी साहब को उनके नंबर पे, लेकिन वहाँ से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैं खुद यानी कि 10 से 15 से 20 मिनट में मैं थाना में खुद मौजूद हुआ और वहाँ पे बोलने के बावजूद जो है वो इग्नोर करते रहे। कौन थाना में आपने फ़ोन किया था? पीरभोरा थाना। क्या बात है, थाना प्रभारी ने क्या जवाब दिया? पहले तो फोन ही नहीं उठाए और जब सामने गए तो बोले कि एक जरूरी काम है, उसे कर करके चलते हैं। कितने की संख्या में लोग आए थे? लगभग 50 से 80। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा यही थी कि इस घर को सबसे पहले तो कब्जा करना और जो उन डॉक्यूमेंट्स है उसको और जो भी है घर में जो जरूरत सामान था उनको मिला वो लेकर के चले गए। क्या क्या आपके घर से लगता है कि वो लेकर चले गए? सबसे पहले तो मेरा 1,25,000 18 तारीख का कलेक्शन है कैश, वो लेके चले गए हैं। और उसके बाद है सिस्टर का जेवर था, वो लेके चले गए, लगता है 2.5-3 लाख रुपए का जेवर था, वो सब गले का चैन वगैरह हार वगैरह। कुल मिला के कितने का? लगभग 5 से 6 लाख समथिंग में उसे है। उनको गिरफ्तारी का सबसे पहले मांग रहा हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए और इस तरह का दंबगई कल हो मेरे साथ और मेरे ऊपर। तो सबसे पहले वो एकदम बहुत दिनों से 1 साल से तकरीबन वो रैकलिंग कर रहे हैं, देख रहे आप। कौन है वो लोग? ये लोग सुल्तानगंज के। कौन, नाम क्या? उनका वसीमुन निशा है, वो एक हिना फिरदौस है और हुस्नारा बेगम है। ये शौकत अली की बेटी हुई, मरहूम शौकत अली हैं, उनकी बेटी हुई और वसीमुन निशा MD वली, लेट MD वली की पत्नी। डर तो काफी थी भैया, लेकिन अगर मैं उस दिन रहती तो पता नहीं क्या होता। बहुत मतलब ये था कि कुछ भी हो सकता था, मैं अकेली थी, एक बच्ची थी, लेकिन भगवान के देन से मैं उस दिन नहीं थी। डॉक्टर के यहाँ चली गई थी, जब मैं गई यहाँ से 2 के समथम मैं आधे रास्ते ही थी कि बगल से मैं फोन गया कि आप ही आपके घर पे कोई नहीं है क्या, आप लोग आपके घर में बहुत सारा करीब करीब 150-200 के लगभग जेंट्स और लेडीज ताला तोड़कर आपके घर में ऊपर नीचे सब घुस गई है। घुसी थी आपके घर? वो कब्जा करने के लिए घुसी थी और उनका मतलब गुंडा, वो जो लेडीज है वो शौकत अली की बेटी, उनका
मतलब गैर कानूनी धंधा भी है, होटल उटल में रैकिंग भी करती है वो। शौकत अली क्या करते हैं? क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रिशियन वो थे, मतलब वो मिडिल क्लास की फैमिली से वो भी आते हैं, लेकिन उनकी बेटी लोग जो है उनका गलत मतलब अलग ये धंधा है, तो अपने बलबूते पे गुंडा लोग को बुलाए पैसा देकर, भाड़े पे लेडीज लोग को भी बुलाई, वो रिश्तेदार जो नहीं थी करीब 50 जो थी वो लेडीज वे पैसे पे वो लोग आई थी, इसलिए वो लोग ऊपर नीचे जितनी थी मतलब रूम था वो सब में अपने अपने बिस्तर पे बेड पे सब कोई सोई हुई थी। जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग वहाँ से आए, आने में आधा घंटा लगा, जब तक आए तो मैं गेट पर देखा कि ताला लॉक था, हम लोग बोले कि गेट खोलिए, वो लोग बोली कि नहीं गेट नहीं खुलेगा। हम थाना में गए, जेंट्स लोग को थाना में बैठाए हुए थे 4 घंटे के करीब करीब, तो जब वहाँ मैं बोली कि आप लोग का ये व्यवहार रहेगा, बताइए कि बिना दिनस्ती घर में डकैती हो गई है, दिन रात में रहती तो चोरी होती लेकिन बिना दिन घर में डकैती हो गई, आप लोग प्रशासन लोग कोई साथ नहीं दे, मात्र यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे फिर गोहर थाना है, 200 किलोमीटर 200 मीटर पे, लेकिन फिर गोहर थाना है तो कोई एक्शन नहीं, ये लोग को बात में ये कहिए हुए हैं कि आप जा रहे हैं रोक जाओ इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन फिर भी नहीं। जब मैं वहाँ बोली कि आप ऐसा कीजिएगा, मतलब वो लोग बोले कि उन लोग कुछ तो कर रहे नहीं है, आप आराम से घर में खा पी, कुछ नहीं किया। जब मैं वहाँ बोली तो वो 2-3 थाना जो उनसे नीचे जो पोस्ट पे रहते हैं उनको भेजे, जब यहाँ आए तो मैं भाई बहन हल्ला करने लगी कि ताला तोड़िए हम अपने घर में जाएंगे, तो बोले कि ज्यादा बोलोगी तुम ही दोनों भाई बहन को ले जाएंगे, हम बोले कि ठीक है चलिए, हमको तो क्या, आप बिना दिनस्ती मेरे घर में घुस गए हैं, घर वाला आदमी बाहर है, आप बाहर का आदमी घर में, बताइए मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स था, ATM था, 2 दिन पहले रेंट दी थी वो पढ़ी मैं रखी हुई थी पर्स में, और वो सब ले गई, मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरी बच्ची का मतलब स्कूल का भी डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत है, और स्कूल ड्रेस जो उसका शर्ट का था वो ले जाकर यहाँ वेडिंग हाउस है वहाँ पे ले जाकर वो लोग फेंक दी। अब आप क्या डिमांड करते हैं, क्या मांग? तो मैं डिमांड यही करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि वो लोग को सबसे पहले जो बाहर के आए थे उन लोग को अरेस्ट किया जाए।